नैब टीम ने नवाज शरीफ से पंजाब हाउस में अदालती समन की तामील कराई। ताज़ फज चौधरी 10 लाख रुपए के जमानती मुचल के जमा कराए गए, जबकि साबिक वजीर आजम कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। नैब टीम ने नवाज शरीफ से पंजाब हाउस में अदालती समन की तामील कराई। तारिक फजल चौधरी ने 10 लाख रुपए के जमानती मुचल के जमा कराए। बशीर चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। बशीर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस वक्त पंजाब हाउस के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह आपने बताया कि एक तो उन्होंने पंजाब हाउस में पहुंचते ही मुस्लिम लीग नून के गैर रस्मी मशावरती इजलास की सदारत की, जिसमें उन्होंने बड़ी खुलकर बातें की, और उसके बाद नैब की जो टीम है वो भी यहाँ पर पहुँची और उन्होंने अदालती समन जो है उस पर तामील करवाई और नवाज शरीफ के दस्तखत लिए। तारिक फजल चौधरी ने 10 लाख रुपये के मचल के जो है वो जमा कराए और बताया और यकीन दहानी कराई नवाज शरीफ की तरफ से, और नवाज शरीफ ने खुद भी कि वो कल अदालत में पेश होंगे। इसके साथ साथ इस जो मशावरती इजलास हुआ उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो यहाँ से निकलकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए हैं, जहाँ आज नवाज शरीफ की जानिब से दायर की गई एक दरख्वास्त जिसमें उन्होंने मौकफ इख्तियार किया है कि नैब के अंदर रेफरेंसेस को यकजा किया जाए और 3 के बजाय 1 रेफरेंस जो है वो उस पर कार्रवाई की जाए। तो ऐसी तो वो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जब वो वापस आएंगे तो एक और मशावरती अमल और एक और मशावरती दौर जो है वो शुरू होगा। उसमें जो आज का अदालत का फैसला होगा, जिसके इम्कान यही है कि अदालत जो है वो अपना फैसला आज दे देगी, उस फैसले के बाद की हिकमत अमली तय की जाएगी और कल नैब में पेशी के हवाले से भी जो हिकमत अमली है वो जेरे गौर आएगी। साबिक वजीर आजम की कानूनी टीम भी आज पंजाब हाउस आएगी और यहाँ आकर वो जो अदालत का आज का फैसला होगा इस्लामाबाद हाईकोर्ट का और कल पेशी के हवाले से जो हुकूमत अमली तय की गई है उस पर भी ब्रीफिंग देगी और उम्मीद ये ठीक है, यानी आज मुशावरत का ये सिलसिला जारी रहेगा। बशीर शुक्रिया आपका।